क्वालिटी एश्योरेंस के इस पार्ट में हम लिनारिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वैलिडेशन के लिए क्वालिफाई करने की ज़रूरी है कि लीनियर लिनारिटी स्टडीज़ की जाएं और हमारा मेथड जिस रेंज में क्लेम कर रहा है कि वो एनालाइज़ करने के काबिल है किसी एनालाइट को उसमें वो लीनियर स्टडीज़ के अंदर क्वालिफाई करे या लीनियर रेंज अपनी शो करे लिनैरिटी इंडिकेट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिज़ल्ट इन ए गिवन रेंज किसी खास रेंज के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट की किसी खास रेंज को आइडेंटिफाई करने के काबिल होना इसे लिनारिटी कहलाएगा लिनारिटी परफॉर्म करने के लिए इस टेस्ट को ए सीरीज ऑफ सैम्पल शुड बी प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन स्पैन द क्लेम्ड रेंज ऑफ द प्रोसीजर आपका प्रोसीजर ख़ास तौर तो पर वो रेंज क्लेम करता है जिस रेंज में एनालाइट आपके मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है मिसाल के तौर पे हम अगर लेड की कंसंट्रेशन पानी में मालूम करना चाहें तो ये पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर होगी पार्ट्स पर और अगर हम आर्सेनिक की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहें तो वो भी इससे भी बाजुकात कम पार्ट्स पर बिलियन लेवल में ही होगी अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं जो लेड या आर्सेनिक की कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहा है तो हमें अपनी लीनियर स्टडीज़ भी पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर ही कंडक्ट करनी पड़ेंगी हायर लेवल की कंसंट्रेशन पर अगर आपका मेथड ठीक काम कर रहा है लेकिन इन लो कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को वो कैटर नहीं कर सकता तो यकीन हम इस मेथड को वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे किसी ख़ास मैट्रिक्स पर काम करने के लिए इस सीरीज ऑफ़ सैम्पल जो हम बनाएंगे तो उसी रेंज में बनाएंगे इसमें कंसंट्रेशन एनालाइट लाइट की उस रेंज में रखी जाएगी जिसमें आपके मैट्रिक्स में पाई जाती है इफ़ देर इज़ ए लीनियर रिलेशनशिप टेस्ट रिजल्ट शुड बी एवेल बाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मैथड स्टैटिस्टिकल मैथड्स जो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो को रिलेशन स्टडीज़ हैं जिसे हमने स्केटर डायाग्राम में इससे पहले डिस्कस किया हुआ है तो हम को रिलेशन कोफ़िशेंट मालूम करते हैं जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि वो आर टू क्या लाएगा या वाई इंटरसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि वाई को हमारी या स्लोप क्या रहेगी लाइन की वाई इंटरसेप्ट स्लोप को अगली स्लाइड में जब हम ग्राफ को देखेंगे तब भी मैं मैंशन कर सकता हूँ एंड रेजिडल सम ऑफ स्केयर एम इन वैल्यूज़ को हम सबमिट करते हैं वैलिडेशन रिजल्ट के साथ इन वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिनैरिटी ए मिनिमम ऑफ फाइव कंसनट्रेशन इज रिकमेंडेड यानी फाइव पॉइंट कर्व बनाना और उनकी लिनारिटी शो करना ये रिक्वायरमेंट है फार्मोकोपियाज़ की सम एनिटिकल प्रोसीजर्स सच एज़ इम्योनाइज डो नोट डिमॉन्सट्रेट लिनारीटी कुछ एनजायमेटिक एसेज हैं जिनमें हम लेनेटी स्टडीज़ ना परफॉर्म कर सकते हैं ना ही मैथड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें हम मुख्तलि तरीक़ार इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं मैथड को वैलिड शो करने के लिए इस वक्त ये स्कैट डाइग्राम आप देख सकते हैं कि ये पाँच पॉइंट्स एक दो तीन चार और पाँच इन पाँच पॉइंट पे कैलिब्रेशन कर्व ड्रा की गई है ये जो छठा पॉइंट है ये ज़ीरो यानी जिसमें एनालाइट नहीं है जिसे आप ब्लैंक कह सकते हैं या नेगेटिव कंट्रोल कह सकते हैं जिसमें एनालाइट की कंसनट्रेशन नहीं थी चूँकि एब्जॉर्बेंस और कंसनट्रेसन के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप कंसंट्रेशन और एरिया ऑफ पीक के दरमियान भी कंसिडर की जा सकती है कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के दरमियान भी निकाल सकते हैं तो ये लीनियरिटी हमें शो करना या इसकी आर वैल्यू के रिग्रेशन कितनी आ रही है ये वन के कितना नज़दीक है जैसे अभी पहले ग्राफ्स में हम देखते हैं कि यू वी में आम तौर पे पॉइंट नाइन 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 तक हम कोरिलेशन कोफिशेंट कर सकते हैं या स्टैंड रख सकते हैं तो यहाँ इन स्टडीज़ में कितना आ रहा है उसे हम वैल्यूट करते हैं डिफरेंट एनाटिकल टेक्निक्स हैव डिफरेंट सेंसटिविटीज़ और इसी हवाले से जब हम लीनियर स्टडीज़ करते हैं तो लिनारिटी स्टडीज़ के लिए हम कंसनट्रेशन भी वेरी करते हैं टोटल हार्डनेस के जरिए अगर हम एक एस्टिमेशन लेना चाह रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का तो हमारे एनालाइट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रखी जाएगी लेकिन अगर हम ऑटोमिकब्जॉपन के ज़रिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसे पार्ट्स पर मिलियन रेंज में अपने स्टैंडर्ड्स को बनाना पड़ेगा अगर इससे ज़्यादा सेंसिटिव तकनीक जैसे ग्रेफाइट फर्नेस या आईसीपी के ज़रिए आप इसी कैल्शियम मैग्नीशियम को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए या लिनारिटी स्टडीज़ करने के लिए पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर हमें अपनी लिनारिटीज़ को स्टडी करना पड़ेगा नतीजतन जब हम सैम्पल को एनालाइज़ करेंगे मैट्रिक्स में अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा भी आ रही हो तो हम मैट्रिक्स को डिलीट करके अपनी कैलिब्रेशन रेंज में या इस लिनरिटी की रेंज में लेकर आते हैं क्योंकि हमारे मुख्तफ़ मेथड्स मुख्तु सेंसिटिविटीज डिस्प्ले करते हैं आप जिस प्रोसीजर को एनालाइज करना चाह रहे हैं या वैलिडेट करना चाह रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है या जिस लेवल पर वह एनालिसिस कर सकता है हमें उसी रेंज की लीनियर स्टडीज़ करने की ज़रूरत होती है और वी हैव टू चूज़ डिफरेंट एनाटिकल मैथड्स हम चूज़ कर सकते हैं वेरिएबल मेथड्स अगर एनालाइट की कंसनट्रेशन कम है तो कम या ज़्यादा सेंसटिव मैथड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लेस सेंसटिव मैथड भी लेकिन वैलिडेटेड मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं